सो टुडे इज़ थर्सडे और थर्सडे के बाद आना है फ्राइडे सैटरडे जो कि वीकेंड होता है यहाँ पे. तो मैं क्लीन अप कर रही हूँ प्रॉपरली, बट डीप क्लीनिंग हमारे यहाँ फ्राइडे वाले दिन होती है. सो दिस इज़ द पार्सल दैट इज़ फ्रॉम पाकिस्तान. मोहम्मद अहमद नानो सेंड हर. यहाँ भी कुछ है, ये मेरी एक फ्रेंड ने गिफ्ट भेजा था. वो भी इधर रखा हुआ है सैनिटाइज होके. अब मैंने इन सब चीज़ों को उठाना है एंड अपनी अपनी जगहों पे रखना है. इधर भी इस बास्केट में भी कुछ सामान पड़ा है. इसमें से एक मेरा सेंटर पॉइंट का है जो कि मैंने DSS की सेल अवेल की है. सॉरी, ये तो अहमद की फर्स्ट ट्राई की बॉटल है. और यस, इधर है मेरा सेंटर पॉइंट का पार्सल जो कि DSS की सेल लगी है और आप अवेल कर सकते हैं. कुछ यहाँ भी थी शॉपिंग्स. दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि DSS की सेल लगी हुई है और जितने मेरे UAE के व्यूवर्स हैं दे कैन अवेल इट टिल 29th ऑफ अगस्त. ह्यूज सेल है, 50 to 70% ऑफ है. लाइक 20-30 वाले चक्कर नहीं है. सो यू कैन गाइज डोंट गो बट शॉप एट होम. ऑनलाइन शॉपिंग करें, एंजॉय करें. व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? Waiting for it to open the dear shell box. यू आर वेटिंग फॉर The dear shell box to open. Who sent you that? Nanu. Huh? What do you want to see in that? What are you expecting? What is inside? I don't know. Okay, let's see. रसली डे है और मैं दूर से बैठ के वीडियो बना रही हूँ बिकॉज एक बंदा रिसीव कर रहा है. सो दैट्स इट. वो भी देखिए मास्क पहन के. ये फ्रिज वाला सामान है. ठीक है, अभी रख देना, क्लीन करके रखना. सो क्लीनिंग अप इन प्रोसेस. ये फ्लोरिंग क्लीन हो गई है बट सेट ये कमरा कभी नहीं होता, ये इसी तरह मैसी रहता है. अगेन माय रूम इज सेट एंड क्लीन्ड मॉप्ड एंड वहाँ पे इंशा सो रही है. इफ यू कैन सी, यस शी इज प्लेइंग विद अ हैंड. तो हमारा गेस्ट रूम भी क्लीन हो गया है. और ये जो आपको पहाड़ दिख रहा है कपड़ों का, इट हैज़ टू बी कोल्ड नाउ, पर ये हम रात को करेंगे बिकॉज वी आर सो मच टायर्ड. और मैं कर देती हूँ लाइट ऑफ. ये वॉशरूम का डोर क्लोज और मेरा बाहर का रूम भी साफ हो गया है. एक्चुअली आई एम मॉपिंग और ये वैक्यूम कर रहे हैं. दिस हैज़ टू बी सेट नाउ. अभी हम करेंगे इसको सेट. राइट नाउ इट्स क्लीन्ड. वी हैव आवर ग्रॉसरी, तो हमने इसको भी क्लीन कर लिया है. किचन का फ्लोर क्लीन हो गया. अभी ऊपर मॉप लगना है. वो मॉप कह रही हूँ, सॉरी, नीचे मॉप लगना है, ऊपर बर्तन साफ होना है. सो यस, दिस इज़ आवर क्लीनिंग डे. और इट टुक ऑलमोस्ट 1 or 1.5 hour टू बी क्लीन विद डस्टिंग मॉप वैक्यूम एवरी थिंग. तो चलिए अब इस रूम को सेट करते हैं. वो चीज़ें जो आई हैव नेवर ट्राइड, घर पे कभी नहीं मंगवाई, उनमें से एक है ये एल सबोर चीज टिप जो कि नाचोस के लिए है. और बाहर से नहीं मंगवा पा रहे थे हम क्योंकि सिनेमाज बंद है. सिनेमा से ही मैं स्पेशली नाचोस खरीदती थी. तो बस घर पे उसको एंजॉय करने के लिए आई हैव दिस एल सबोर चीज़ डिप एंड दिस एल सबोर सालसा डिप. ये माइल्ड सालसा है, एक स्पाइसी भी आता है, बट दिस वन इज़ माइल्ड. इतना ज़्यादा बिल्कुल भी तो नहीं कहेंगे बट लाइटली स्पाइस्ड है. साथ ही साथ जो मेरे इंडियन फ्रेंड्स हैं दे नो दैट के श्रीखंड क्या होता है. सो श्रीखंड इज इतना पता है कि हंगपर्ट से बनता है. और विल सी, खोलूंगी टेस्ट करूंगी तो पता लगेगा कि ये कैसा है. ये अमूल ब्रांड इज़ अ इंडियन ब्रांड
और देखें क्या टेस्ट करता है। ये आलमंड पिस्ताचू है, होपफुली ये मज़े का होगा, बट तब तक मैं ट्राई नहीं करती, तब तक हाउ कैन आई टेल यू। सो यस, मोस्ट ऑफ यू नो कि ये लबन अप नमकीन लस्सी, बट इस बार मैंने मरमम कोई ब्रांड था उसका ये मंगवाया। दिस इज़ लबन बट विथ जीरा, दिस इज़ जीरा, तो जीरा लिखा हुआ है। तो इट्स अ क्यूमिन लस्सी, नमकीन सी होती है, बट इसको भी हमने कभी नहीं ट्राई की थी, सो दैट्स वाई मैंने इस बार मंगवाई कि टेस्ट करते हैं कि ये कैसी होती है। राइस के साथ बहुत अच्छी लगती है, और इस वीक मेरे हस्बैंड का ऑफ है, तो आई नो कि राइस बहुत सारे बनने वाले हैं, तो उसको यू नो पेस्ट में तब्दील करने के लिए वी यूजली हैव लस्सी विद राइस, नमकीन लस्सी। साथ ही साथ इफ़ यू आर अ फ्रूट योगर्ट लवर, तो मैंने बहुत सारी ट्राई की है, नो डाउट सारी अच्छी भी थी योगर्ट, अलमराय की, अलरवाबी की, बट एक ये ब्रांड था योप्लेट, यस योप्लेट, इसकी बहुत अच्छी, उन सबसे अच्छी जो मुझे लगी है ना वो दिस ब्रांड, बहुत टेस्टफुल। अगेन अनदर चॉकलेट, बहुत मज़ेदार ये वाइट चॉकलेट है, और ये इंडिविजुअली मतलब इसके ब्लॉक्स अंदर होते हैं, और बट दिस इज़ ऑसम। ये थोड़ी थोड़ी मुझे ना कलाकंद मिठाई जैसी लगती है, बट बहुत मज़े की है। एंड आई गॉट दिस फ्रेश क्रीम, ये नॉर्मल क्रीम से बहुत अच्छी है, इसमें बलाई वाला टेक्सचर आता है, सो नार्डिक कंपनी का मैंने कभी नहीं लिया था, बट यस इस टाइम मैं जो हूँ वो मैंगो क्रीम इससे बनाने वाली हूँ। एंड ये है लोरपाक बटर, जो कि बड़ी कॉमन सी है, ब्रांड लोरपाक है, बट इट्स कॉमन, बट यूनिकनेस इज दैट कि ये लाइटर है, और इवन इफ वाकई नॉर्मल बटर से थोड़ा लाइट लाइट सा फील होता है, इतना हैवी नहीं लगता, बड़ा अच्छा सा है, और बटर की खुशबू भी आ जाती है, और चीज़ मज़े की भी हो जाती है, बट रिड्यूस फैट ब्लेंड ऑफ लोरपाक, तो फैट कॉन्टेंट इसके अंदर ज़रा कम है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल। सो यूजली मैं अनसॉल्टेड ही लेती हूँ, चाहे वो कुकिंग के लिए हो, चाहे वो एज अ स्प्रेड यूज़ करना हो, आई यूज टू टेक अनसॉल्टेड। एंड गेस व्हाट, व्हाट इज दिस, दिस इज स्क्वीजी कंडेंस मिल्क। कंपैरेटिवली उस कैन से लेना मुझे आसान जो लगा वो ये लगा, क्योंकि जितना यूज़ करना है एंड देन यू हैव टू क्लोज इट बैक, तो इट्स ईजियर देन दैट कैन, और उसको ओपन करो तो वो बंद करने की टेंशन लगी रहती है। इसके साथ फ्रेजर में दिखाऊँ तो नाउडेज हमारी फेवरेट है दिस। अगर आपने मैकडॉनल्ड के हैश ब्राउन्स खाए हैं तो तब आपको पता लगेगा, दिस इज़ द हैश ब्राउन फ्रॉम लैम्ब वेस्टर्न कंपनी, और ये पूरा सेम टू सेम मैकडॉनल्ड्स जैसा है, बहुत मज़ेदार है। और इसके साथ साथ दिस इज़ द न्यू थिंग फॉर मी, अनियन पराठा, आई हैव नेवर टेस्टेड इट, पर अब हम इसको भी टेस्ट करेंगे, फ्रोज़न है। और साथ में एक ये बड़े मज़े की चीज़ मुझे लगी थी, दिस इज़ अ प्राइम स्टेक, इस लोफ के अंदर इस पेटीज़ के अंदर पूरा एक मीट लोफ है, और इसको जस्ट बेक करना है एंड देन दिस इज़ रेडी। ये छोटा सा है तो ट्राई करने के लिए मंगवाया है, लेट्स सी कैसा रहता है इसका टेस्ट। साथ में दिस इज़ नॉट ओरिजिनल पैकिंग इसकी, ये नहीं है ओरिजिनल पैकिंग, इज़ समथिंग डिफरेंट, जो कि हमने सैनिटाइज करने की वजह से इसको जो है वो फेंक दी थी। और उसके बाद ये पैकेजिंग है, सो एक्चुअली इट्स अ बर्गर पैटी स्पेशली फॉर किड्स, क्योंकि ये चिकन का है और इसके अंदर केल्स एंड क्यूनोए है, तो मुझे ज़रा लाइक इट साउंड्स हेल्दी, तो मैंने कहा चलो व्हाई नॉट टू ट्राई दिस। और सबसे मज़े की बात कि इसमें कोई क्रम्स नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ चिकन है और वेजीज हैं, ऑर्गेनिक है बिल्कुल, और हम जिसको फ़ौरन से फ्राई करके जो है हल्के से लाइक शेलो भी नहीं, जस्ट लाइट सा ऑयल आपने अगर इस पर भी लगा दी ना तो ये फ्राई हो जाना है। तो इसके मैंने नगेट्स ट्राई किए हैं, बट मैंने ये कभी यूज़ नहीं किया, तो चलें देखते हैं कैसा टेस्ट करता है। तो ये सारी वो नई चीज़ें हैं जो कि अच्छा मज़े की बात, ये तो हर पाकिस्तान में बड़ा ईजिली मिल जाता है,
पर पिज्ज़ा बनाना मुझे इसी लोफ से आया। अगर ये ना होता तो मैं शायद कभी भी पिज्ज़ा ना बनाती, तो ये मेरे पास हमेशा 2-3 पैकेट्स पड़े होते हैं। दिस पनीर ऑल्सो, ये खैर इंडियंस तो बहुत अच्छे से इनकी मज़े मज़े की रेसिपीज़ बना लेते हैं। ये स्पेशली मैं लाई हूँ, या तो मेरे यहाँ इसको स्क्यूअर्स में डाल के अहमद को मैं फ्राई करके दे देती हूँ कुछ मैरिनेट करके, बड़े अच्छे क्यूब्स बने हुए हैं। ये सॉलिड भी पूरा आता है बट दिस वन इज़ क्यूब्स, और नहीं तो फिर मैं इसको हांडी में यूज़ करती हूँ, मलाई हांडी चिकन। सो दिस इज़ पनीर, जो कि इंग्लिश में कहलाता है कॉटेज चीज़, लिखा हुआ भी है इंडियन कॉटेज चीज़। तो ये वो चीज़ें थी जो कि मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, एंड लेट्स सी कैसे टेस्ट करती हैं। ये देखिए मैंने नून से पार्सल आया हुआ, कितनी अच्छी पैकेजिंग है, इसमें सौदा है एक्चुअली। तो ये पूरी पैकेजिंग इसकी बड़ी अच्छी है, दिस इंडिविजुअली चीज़ें पैक हुई हुई अंदर भी, सो आई लव देयर पैकेजिंग। वो मेरा केल एंड क्विनोआ वाला पैटी, इसके अंदर और भी वेजीज हैं, और इस ब्रांड का नाम था हेल्दी फार्म। यस, तो देखिए मैंने कितना थोड़ा सा ऑयल लिया है, बहुत थोड़ा सा लिया है, ये फ्रीज हुआ था इसलिए अब थोड़ा टाइम लगेगा इसको कुक होने में। और इस पर कोई भी लाइक कम्बल्ट नहीं है, ना ही किसी मैदे की कोटिंग है, ना ही कोई उसकी क्या कहेंगे ब्रेड क्रम्स की कोटिंग है। दिस इज ओनली चिकन, यू कैन सी द ग्राइंडेड वेजीज इनसाइड। देखें पर्पल ग्रीन, पता नहीं क्या कुछ कलर, ऑरेंज। तो लेट इट कुक, कुछ नहीं फिर इसमें केचप एंड चीज़ के साथ मैं बन में डाल दूँगी, एंड इट्स रेडी। बट इट साउंड्स हेल्दी अगेन, इसीलिए मैंने इसको लिया। सो चलें इसके साथ मैं अपना ब्लॉग एंड करती हूँ। इफ यू लाइक दिस वीडियो क्लिक द लाइक बटन, और होपफुली कि आपने इसको इस वीडियो को इन्जॉय किया होगा। Take care, I love this.